विधानसभा चुनाव का बिगुल किसी भी वक्त बज सकता है। उससे पहले ही सभी पार्टी अपने अपने स्तर पर अपने बेहतर प्रत्याशियों का चयन को लेकर विचार विमर्श कर रही हैं। तो वहीं धनबाद जिले की तिंदरी विधानसभा में झामुमो के नेता मुकेश सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी ठोक दी है। मुकेश सिंह तिंदरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जाहिर किए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता चाहती है कि केंद्रीय विधानसभा का नेतृत्व इस बार झामुमो के पाले में जाए और वो नेतृत्वकर्ता मुकेश सिंह हो। मुकेश सिंह ने कहा कि सदैव सिंदरी विधानसभा के क्षेत्र की जनता के लिए मैं खड़ा रहा हूं और राज्य के सरकार के द्वारा ले गए लाभकारी योजनाओं को गांव-गांव जाकर लोगों को उन योजनाओं का लाभ समझकर उन्हें लाभान्वित करते आया हूं। उन्होंने कहा कि अगर जेएमएम पार्टी इस बार उनके ऊपर भरोसा जताती है तो निश्चित रूप से उन्हें निराशा नहीं होने देंगे। उक्त बातें जेएमएम नेता मुकेश सिंह ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर मीडिया को झारखंड सरकार द्वारा 36 योजनाएं चल रही है और झारखंड के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इसलिए हम लोग सरकार के तरफ से जो भी योजनाएं आ रहा है गांव गांव जाके लोगों को समझा के बुझा के उनके तक योजनाओं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए लोगों की चाहत है, लोगों की मांग है, सिंदरी के जनता की मांग है कि आप एक बार यहां से चुनाव लड़े। इसलिए हम भी चाहते हैं कि एक बार हम भी वहां से चुनाव लड़ने का काम करें।